हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपको हिंदी का काम दिया जा रहा है। हिंदी में आप सब बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया। दो अक्षरों के जोड़, तीन अक्षरों के जोड़, चार अक्षरों के जोड़, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, इतना आपने सिलेबस कवर कर लिया है। तो आज हम आपको दे रहे हैं, ये चित्र दिए हुए हैं, तो चित्रों को देखकर आपने शब्द लिखने हैं। चित्र पहचानना है अच्छे ढंग से और सही सही मात्रा लगाकर आपने वो शब्द बनाने हैं। अभी मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो लिख कर दिखा रही हूँ, जैसे आप मैडम बोर्ड पे लिख के दिखाती हैं। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है किसान। तो किसान कैसे लिखेंगे? क पे छोटी की मात्रा की आप साथ साथ बोलते रहिए, स पे आ की मात्रा, सा न, जैसी मात्रा लग रही है उसकी वैसी आवाज निकालिए। छोटी की मात्रा लगी तो की, स पे आ की मात्रा लगी तो सा न, किसान जोड़ दिया ना हमने। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? बिल। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो बिल मिलता है, तो ब पे छोटी की मात्रा, बी ल बिल। ये है निब। निब कैसे लिखेंगे? न पे छोटी की मात्रा, नी ब निब। और ये क्या है? किताब। छोटी की मात्रा वाले सारे शब्द हैं, तो बीच में आ की भी आ रही है। क में छोटी की मात्रा की, त पे आ की मात्रा, ता ब। जहां कोई मात्रा नहीं आती तो वो अक्षर को हम वैसे का वैसा ही बोलते हैं, ब। किताब। यह है लिफाफा। ल पे छोटी की मात्रा, ली। फ पे आ की मात्रा, फा। फिर फा पर आ की मात्रा, दोबारा से दोबारा बोलेंगे फा, ली फा फा। ठीक है, यह है सितार। सितार कैसे लिखेंगे? स पे छोटी की मात्रा, सी। त पे आ की मात्रा, तार। सितार। और ये क्या है? चिड़िया। तो चिड़िया लिखेंगे, च पे छोटी की मात्रा, ची। बोलते रहिए साथ साथ मात्राओं को जोड़कर, ड पे छोटी की मात्रा, ड़ी। और या पे आ की मात्रा, या। क्या बन गया? चिड़िया। और ये क्या है? जानवर है, इसका नाम है सियार। ठीक है, सा पे छोटी की मात्रा, सी। या पे आ की मात्रा, या र, सियार। यह है किला। का पे छोटी की मात्रा, की। ल पे आ की मात्रा, ला। किला। अब पढ़ाते समय तो मैंने आपको ये पूरा पेज भरकर दिखा दिया। जब आपके पास पेज जाएगा तो उसमें ये शब्द नहीं लिखे होंगे, तो मैंने समझा दिए हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनना समझना, फिर चित्रों को देखकर अपनी कॉपी में ये शब्द लिखना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।